हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवजात शिशु से लेके 6 महीने तक के बच्चे को हमें कैसे नहलाना है, क्या डेली बच्चे को नहलाना है, कैसे बच्चे का डायपर चेंज करना है, बच्चे को कैसे रखना है, बच्चे को कैसे होल्ड करना है, बच्चे को कैसे मसाज करना है, इन सब चीजों के बारे में पूरे डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे की मसाज कैसे करना चाहिए। कई बुजुर्ग होते हैं हमारे, ओल्ड जो होते हैं घर के, वो बोलते हैं कि बच्चे की मसाज जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रेस करके, मतलब बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं ऐसे प्रेस करने से, प्रेस करके मसाज करो, काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से मलो, बच्चे का हेड भी जोर से मलो, बाजू भी जोर से मलो। बट ऐसा नहीं करना है। आपने बच्चे की मसाज करते वक्त हमेशा ध्यान में रखना है, अगर वो बच्चे के पैर है तो हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे हल्का हल्का मसाज करना है। बच्चे को ऑयल की बहुत ज़रूरत है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे के ऑयल से ही हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल या फिर आप सरसों के तेल या कोकोनट ऑयल से आप मसाज करते हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर गर्मियां हैं, मोस्टली आजकल तो गर्मियां ही के मौसम चल रहा है, तो आप कोकोनट ऑयल से मसाज बच्चे को अच्छे से कर सकते हो। ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो, बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। तो तरीका क्या है मसाज करने का? अच्छे से मसाज करना है बच्चे को, बट उसको जोर जोर से रब नहीं करना है। इससे बच्चे को इंजरी भी हो सकती है और बच्चे को आगे जाके दिक्कत भी आ सकती है। बच्चा बहुत ही ज्यादा रोता है, आपने मोस्टली देखा होगा बच्चे को जोर जोर से जब आप मलते हो तो बच्चा क्राई करता है, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही होती है। आप आराम से सॉफ्टली उसको अच्छे से मसाज करोगे तो बच्चा कभी भी क्राई नहीं करेगा, बच्चा आराम से अच्छे से वो मालिश करवा लेगा। तो मालिश करते वक्त हमें ध्यान में रखना है कोई भी ऐसी चीजें प्रेस नहीं करनी है जो बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करे। और चेस्ट पे हमेशा बच्चे के लिए ऐसे हल्के हल्के हाथों से चेस्ट पे भी मसाज, हेड साइड को जब हेड पे आप हाथ रख रहे हो बच्चे के, तो जो बीच वाला एरिया उस पे प्रेस नहीं करना है, क्योंकि वो ज्वाइंट जो होता है वो अच्छे से जुड़ा नहीं होता अभी बच्चे का, 2 साल लग जाते हैं उसको भरने में। तो इसमें ना ही तेल अधिक मात्रा में उस पे डालना है, ना ही बच्चे को काफी ज्यादा ऑयल सिर पे लगाना है। हल्का फुल्का आप अप्लाई कर सकते हो, अगर ज्यादा लगाओगे तो बच्चे के ऑयल जमना शुरू हो जाता है, वहां पे डैंड्रफ भी बनना शुरू हो जाता है। और बच्चे के हेड को शेप में लाने के लिए आपने ज्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से आप मसाज करोगे तो धीरे 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 बच्चे का जो हेड का शेप है वो अपनी नॉर्मल शेप में आना शुरू कर देता है। तो इसको जोर से नहीं दबाना है आपने। अब बात करते हैं, मसाज तो कर ली हमने, उसके बाद नहलाना है। हमेशा याद रखें आप कि नहलाने से पहले बच्चे को अच्छे से मसाज करनी है, अच्छे से ऑयलिंग करनी है, हल्के हाथों से करनी है, और उसके बाद हमने बच्चे को नहलाना है। आधे घंटे का गैप होना चाहिए, उसके बाद अच्छे से आप बच्चे को नहला देते हो तो आप हल्का सा बच्चे को अच्छी कंपनी का बना हुआ लोशन अप्लाई कर सकते हो। अगर बच्चे को काफी ज्यादा रैशेज हो रहे हैं या बच्चे के स्किन पे, आपने देखा होगा मोस्टली यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं यहाँ पे एरिया पे कट लगा होता है, क्योंकि वो एरिया उनका नेक ऐसे हमेशा रहता है, कमी बच्चे मूव कर पाते हैं तो इस वजह से वो एरिया कट लग जाता है। तो उसपे आप याद रखें कि सरसों का तेल हो गया या कोई ऐसे जलनशील वाला तेल बच्चे के अगर अप्लाई करोगे तो बच्चा क्राई करेगा, क्योंकि उसको जलन होगी वहां पे। उस एरिया को ऐसे ड्राई रखना है आपने, ज्यादा पाउडर भी नहीं अप्लाई करना, पसीने से वो पाउडर जम जाएगा तो और भी बच्चे को उसपे दाने निकलने शुरू हो जाएंगे, कट और ज्यादा लग जाएगा। हल्का फुल्का आप कोकोनट ऑयल उस पर अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा हवा भी लगानी है बच्चे को ताकि वो एरिया ड्राई रहे और बच्चे को अच्छे से उस एरिया पे जो ऑयल है अच्छे से सोख ले वहां पे, और पिंपल वगैरह और लाल दाने या सफेद दाने जो होते हैं गर्मियों में मोस्टली बच्चों को देखा गया है निकल आते हैं, वैसा प्रॉब्लम बच्चे को ना हो। अगर बच्चे के बॉडी में काफी ज्यादा रैशेज हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से जरूर दिखाएं। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को नहलाना कैसे है। नवजात शिशु हो गया वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो हमें बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान से नहलाना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा है, 2-4 दिन का बच्चा है, तो उसको उसकी कॉर्ड जब तक नहीं टूट के गिर जाती तब तक बच्चे को नहीं नहलाना है। स्पंज कर सकते हो आप ताकि उसपे जो कॉर्ड एरिया है, नाड़ू है बच्चे की, उसमें इन्फेक्शन ना हो। तो आप अगर 10 दिन के बाद बच्चे को नहला रहे हो, गर्मियों का दिन है तो बच्चे को आप अच्छे से नहा सकते हो। हो सके बच्चे को कोई भी ऐसा फालतू का साबुन नहीं यूज करना है कि जिससे बच्चे की स्किन जो है ड्राई पड़े और बच्चे की इचिंग हो उस पे। आप अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का सोप यूज कर सकते हो, शैम्पू यूज कर सकते हो और लोशन भी बच्चे को यूज कर सकते हो। आप इन बातों का अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपका बच्चा इन गर्मियों में कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा और ना ही बच्चे को रैशेज, फीवर और स्किन में प्रॉब्लम होगी कोई भी। नहलाने का भी एक तरीका होता है। उसके बाद आप जब नहला देते हो अच्छे से
बच्चे को मतलब ऑइंटमेंट कोई लोशन अप्लाई कर सकते हो, हल्का सा, अच्छी कंपनी का हो जो बच्चे के लिए सेफ हो, वो आप लोशन अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बच्चे की आंखों को और कानों को कैसे साफ करना है। नहलाते समय बच्चों को जब हम नहलाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम प्रॉपर नहीं होता है कि हम जल्दी जल्दी बच्चे को आंखों को साफ करें और बच्चे के कान को साफ करें, इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को जल्दी से पानी से बाहर निकालना होता है, मतलब जल्दी से उसको कपड़े पहनाना होता है ताकि बच्चा बीमार ना पड़ जाए। तो आपने आंखों को साफ कैसे करना है कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। कई बार क्या होता है बच्चे की आंखों में वो गिद्ध सी निकलने लग जाती है, ग्रीन ग्रीन डिस्चार्ज होने लग जाता है, इससे रिलेटेड भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है कि बच्चे को ये डिस्चार्ज क्यों होता है आंखों में, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो हमें कैसे साफ करना है, सबसे पहले आपने कॉटन लेनी है, उसको राउंड सा गोल गोल कर लेना है, गोल शेप में हल्का सा गुनगुना पानी लेना है, उससे बच्चे को आंखों को साफ करना है। एक बॉल से आप एक बार बच्चे के आंख को साफ करोगे, ऐसे बच्चे को ऐसे बाहर से अंदर की ओर नहीं लेके आना है, अंदर से बाहर की ओर लेके जाना है और उसको थ्रो कर देना है, फेंक देना है, दूसरा फिर नया यूज करना है अच्छे से, फिर उसको साफ करना है जब तक वो एरिया क्लीन नहीं हो जाता, मतलब जो गिद्ध सी होती है या फिर कोई भी पानी डिस्चार्ज हो रहा है कुछ भी वो क्लीन नहीं हो जाता, तब तक बच्चे के आंख अच्छे से साफ करना है। कान कैसे साफ करने हैं बच्चे के, कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे के ईयरबड्स जो होते हैं उसे कानों को साफ करते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब आपका बच्चा आप नहला के बाहर लेके आते हो बच्चे को, उस एरिया में नमी हो जाती है कान वाले एरिया में, तो उस एरिया को क्या करना है, आपने जो आउटर एरिया होता है कान के पिछला हिस्सा जो होता है उस पे आपने अच्छे से बच्चे को साफ कर रखना है, मतलब कॉटन से या फिर आप कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हो, हैंकी यूज कर सकते हो सॉफ्ट सा, क्योंकि पीछे वाले एरिया पे काफी ज्यादा मैल जमी होती है, सोप भी जम जाता है, पाउडर भी जम जाता है, तो उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना है आपने। और हो गया आउटर एरिया, अंदर का जो एरिया होता है उस पे कैसे आपने साफ करना है, जब आप बच्चे को नहला के बाहर लेके आते हो तो उसमें थोड़ी सी नमी हो जाती है, नमी के कारण जो गीला गीला हो जाता है, जो भी उसमें मिट्टी होती है, मैल होती है, तो उसको आप अच्छे से साफ कर सकते हो कॉटन से। अंदर ईयरबड्स नहीं डालने हैं बच्चे के कान में ताकि बच्चे को कोई इंजरी ना हो। जब हम बच्चे के कान में ईयरबड डालते हैं, न्यूबॉर्न बेबी हो गया या फिर 10-15 दिन का बच्चा हो गया या 6 महीने का बच्चा होगा, जो भी ईयरवैक्स जमी होती है वो बच्चे के ईयरबड डालते ही वो अंदर की ओर चला जाता है, जहाँ पे बच्चे जहाँ से बच्चे को सुनने की शक्ति प्रदान होती है वहाँ पे बच्चे को अगर हार्म करता है तो बच्चे को सुनने में भी दिक्कत आ सकती है और आगे जाके इन्फेक्शन और इंजरी भी बच्चे को हो सकती है। इसलिए कभी भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बच्चे के लिए नहीं यूज करना है। अगर बच्चे की ईयरवैक्स ज्यादा जम गई है, बच्चा बार बार कान में हाथ डाल रहा है, उंगली डाल रहा है, अपने कान की तरफ ही हाथ कर रहा है अपना, तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। एयरवैक्स ज्यादा होगी तो डॉक्टर खुद ही हैंडल करेंगे, उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ ड्रॉप्स होती हैं जो बच्चे के कान में डालते हैं और वो फूल के वैक्स अपने आप बाहर निकल आती है, इसलिए खुद से घर पे नहीं ट्राई करना है आपने। हम बात करेंगे बच्चे को डायपर कैसे पहनाना है। हो सके तो आप इन गर्मियों के मौसम में बच्चे को मॉर्निंग के समय, मतलब दिन के समय अवॉइड ही करें, मतलब अगर इमरजेंसी होती है तो बच्चे को आप डायपर पहनाएं, अदरवाइज रात के समय में बच्चे को नींद बच्चे की ना खराब हो इस वजह से हम पहना सकते हैं, बट मॉर्निंग के समय क्यों नहीं पहनाना, गर्मियों के दिन है और जब डायपर पहनता है बच्चा उसमें एयर नहीं अंदर जा पाती तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, जलन होने लग जाती है, एरिया कट जाता है, तो बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, यूरिन उसी में रहता है डायपर में, उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन बटक्स की हो जाती है जिससे रैशेज पड़ जाते हैं, जिसको डायपर रैश बोलते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन सेंसिटिव है, डायपर पहनाते ही आपके बच्चे की स्किन पे रैशेज पड़ रहे हैं, तो आप बिफोर नैपी क्रीम यूज कर सकते हो, डॉक्टर से आपने सलाह लेके, क्योंकि बच्चे को जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ होता है उस डॉक्टर को मालूम होता है बच्चे की स्किन कैसी है कैसी नहीं है, बच्चे को एक बार फिजिकली चेक करते हैं, उसके बाद वो बता देते हैं कि आप इस बच्चे को ये ऑइंटमेंट या क्रीम अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो ये सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छे से थिक लेयर में अप्लाई करना है आपने, थिक लेयर अप्लाई करके फिर डायपर पहनाना है, इससे क्या होगा यूरिन बच्चा पास करेगा, पॉटी पास करेगा बच्चा, तो उससे बच्चे को जलन नहीं होगी, बच्चे को रैशेज नहीं होंगे और इससे बच्चे को रैशेज का खतरा भी कम होगा। जो मदर्स होती हैं वो रगड़ रगड़ के पाउडर अप्लाई करती हैं, ऐसे नहीं अप्लाई करना है आपने। पाउडर कैसे अप्लाई करना है आपने, उसका भी एक तरीका होता है। पाउडर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं अगर हम ऐसे छिड़केंगे बच्चे के ऊपर
तो वो छिड़कने से जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे के नोज के थ्रू बच्चे के लंग्स में जाएंगे, बच्चे के आईज में पड़ेंगे, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन होगा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इन बातों का आपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। बच्चे के आपने पाउडर अप्लाई करना कैसे है, अपने हाथों में लेना या किसी हैंकी में लेना, उस पर रब करके बच्चे को अच्छे से हल्का हल्का बच्चे को पाउडर अप्लाई करना है। ज्यादा एक्सेसिव पाउडर नहीं लगाना है बच्चे के, वो जम जाता है तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर हम भी अपने बॉडी पे एक्सेसिव कुछ लगा लेते हैं तो हम भी, हमारे भी इरिटेशन होती है, हम बड़ों के भी, तो वो तो छोटा सा बच्चा है। इसलिए एक तरीके से बच्चे को पाउडर अप्लाई करना है, अप्लाई करते हुए बहुत ध्यान रखना है। और अगर बेबी गर्ल बेबी बॉय जो भी होता है तो उनके जेनिटल एरिया पे कभी भी पाउडर अप्लाई नहीं करना है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के अपने चैनल पे रखी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो कि क्यों जेनिटल एरिया पे हमें पाउडर अप्लाई नहीं करना चाहिए। इससे बेबीज को आगे फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जेनिटल एरिया पे काफी ज्यादा पाउडर अप्लाई ना करें। हल्के हाथों से आप उसके थाइस वाले एरिया पे लगा सकते हैं। अगर बच्चा यूरिन पास करता है या फिर पॉटी करता है तो वो पाउडर स्टिक हो जाता है वहीं पे, तो उसके लिए बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगी कि जो डायपर है गर्मियों के दिनों में खास करके बच्चे को 2 या 3 घंटे बाद चेंज कर दें, ताकि बच्चे को डायपर रैश ना हो। कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।